Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ASN यानी कि अवाने श्रीमन नारायणा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ये कैसी कन्नड़ मूवी है, कन्नडा मूवी है जो कि बॉक्स ऑफिस में बहुत ज़बरदस्त अच्छा परफॉर्म कर रही है। मूवी को ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट भी मिल चुका है, अभी तक ऑफिशियली सुपरहिट का मिल चुका है, लेकिन एक मूवी के लिए सैड न्यूज़ है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए, अवाने श्रीमन नारायण कन्नडा में रिलीज़ हुई, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, लेकिन एक चीज़ है जिसमें यह रिलीज़ नहीं हुई और जहाँ पे लोग फैंस बहुत निराश भी हैं। जहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हिंदी मार्केट की, क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर हिंदी मार्केट में भी रिलीज़ किया गया था और काफ़ी लोग एक्साइटेड थे, उनको ट्रेलर बहुत पसंद आया था। लेकिन अभी 16 तारीख को ये मूवी रिलीज़ होनी थी, 16th यानी आज के दिन, लेकिन मूवी रिलीज़ नहीं हुई है, जो कि एक बहुत बुरी खबर है। जितने भी फैंस हैं हिंदी मार्केट में कन्नड़ा मूवी देखने वाले, उनके लिए बहुत सेटबैक है। अगर बात करूँ रिलीज़ की डेट की, तो 27 दिसंबर को रिलीज़ किया गया था। रक्षित शेट्टी और शिवानी श्रीवास्तव मेन लीडिंग रोल में थी। बजट मूवी का अराउंड 30 करोड़ के आसपास हो चुका है। अगर कन्नड़ की बात करूँ तो 23 करोड़ के आसपास का बजट था, लेकिन इसे तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज़ किया गया तो उसका बजट 30 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। मूवी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। मूवी का जो 18th डे तक का कलेक्शन है, उसमें कन्नड़ा में, तेलुगु में, तमिल और मलयालम में भी ये मूवी थी। उसके बाद ये मूवी तमिल, तेलुगु और मलयालम में नहीं रिलीज़ हुई थी, सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ा में ही बची थी, स्क्रीन्स मिले थे। फर्स्ट 18 डेज में मूवी ने 53 करोड़ 94 लाख का टोटल नेट कलेक्शन किया था ऑल ओवर इंडिया से। 50 करोड़ 30 लाख का कन्नड़ लैंग्वेज से, 2 करोड़ 27 लाख का तेलुगु लैंग्वेज से, 1 करोड़ 19 लाख का तमिल लैंग्वेज से और मलयालम से 18 लाख। मूवी का वर्ल्ड वाइड का टोटल कलेक्शन 65 करोड़ 60 लाख। अगर बात करूँ 23 की, तो मूवी ने कल के दिन, कल हॉलीडे था, छुट्टी थी, तो मूवी ने लगभग 55 लाख का कलेक्शन किया था ऑल ओवर इंडिया से। टोटल कलेक्शन 55 करोड़ 80 लाख और वर्ल्ड वाइड में 67 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। अगर आपसे बात करूं कि मूवी का वर्डिक्ट क्या मिला, तो मूवी को सुपरहिट का ऑफिशियली वर्डिक्ट मिल चुका है और ब्लॉकबस्टर मूवी होने जा रही है। आज 21st है, यानी कि मूवी का कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि आज कोई बड़ा हॉलीडे नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर मूवी 30 लाख के आसपास का कलेक्शन भी करती है, तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 56 करोड़ 10 लाख, और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो मूवी 67 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आपको क्या कहना है अवाने श्रीमन नारायण मूवी के बारे में। अगर आपने मूवी देख लिया तो आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको इसी तरह से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट जाननी है, तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।